हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फार्मूला। टेक्स्ट फार्मूला का बारे में क्या है, और जो लोग अभी नए हैं और कौन सा पेपर भरे, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार रिपीट करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों का कमेंट्स था। आप लोग अगर तीन पेपर पढ़ने में सक्षम है तो आप लोग तीन पेपर जरूर भरिए, आईटी टूल, वेब डिजाइनिंग एंड आईसीटी या मल्टीमीडिया आप ले सकते हैं, और अन्यथा आप चाहें तो दो ही भर सकते हैं। आप चाहें तो आईटी टूल्स पहला पेपर, वेब डिजाइनिंग ले सकते हैं, या पहला पेपर और आईसीटी ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे टेस्ट फार्मूले की गए, तो टेस्ट फार्मूले में हम लोग कौन कौन सा फार्मूला होता है वो पढ़ेंगे, तो इसके लिए आपको फिर वीडियो देखते रहिए दोस्तों। मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं आरआईटी चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। अगर आप हमारे जो है घर बैठे क्लास करना चाहते हैं तो घर बैठे क्लास कर सकते हैं दोस्तों। घर बैठे क्लास करने के लिए आपको बहुत ही मामूली फीस पे करनी होती है और बहुत ही आपको कम पैसे में आपको घर बैठे क्लास मिलती है। इसमें आपको ओ लेवल और ट्रिपल सी बी सी सी के क्लास कोई भी कर सकते हैं, बहुत ही कम चार्जेस हैं आपके। यहाँ पे नोट्स के लिए आपको 150 रुपये चार्ज पड़ते हैं, और आपको यहाँ पे क्लास के लिए आपको अगर आप फॉर्म भी फिल करवाना चाहते हैं तो फॉर्म फिल करा सकते हैं यहाँ पे। फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपना डेटा यहाँ पे सेंड करना होगा और आपका फॉर्म फिल करवा दिया जाएगा दोस्तों। आपको पेमेंट करने के लिए हमारे दिए हुए इस नंबर्स पे पेमेंट कर सकते हैं या बैंक डिटेल्स पे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूला। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेना है, फार्मूला टैब में आ जाना है। यहाँ पे फार्मूला टैब में आप देखेंगे यहाँ पे कि हमें मिलता है टेक्स्ट फार्मूला। नंबर एक दिया हुआ है भार टेक्स्ट, तो इसका काम क्या होता है, कन्वर्ट अ नंबर टू टेक्स्ट। एक्चुअल में ये फार्मूला जो है किसी नंबर को टेक्स्ट में बदलने का काम करता है, लेकिन ये हमारी भाषा में नहीं बदलता। So, मैं यहां पे आपको भार टेक्स्ट का यूज करके दिखाऊंगा। मैं जानकारी लिए बता रहा हूं, इसका कोई यूज आपको नहीं होगा, ये हमारी भाषा में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आपको यहां पे इसका कोई विशेष यूज नहीं है। कैर, ये किसी नंबर को कैरेक्टर्स में बदल सकता है, ठीक है ना। यहां पे जैसे मैंने यहां पर लिखा 65, तो 65 को कैरेक्टर्स में बदल देता है। अगला फॉर्मूला है क्लीन, यानी रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। जैसा कि मैंने यहां टाइप किया आर आई टी आई, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, एंटर करूंगा, तो देखिए यहां पे कुछ इस तरह से प्रिंट हुआ है। यहां पे एक्स्ट्रा स्पेस है जो प्रिंट हो रहे हैं। एक्चुअल में नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रिंट इसमें नहीं होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स जो थे वो प्रिंट तो हो गए हैं, लेकिन ये प्रॉपरली मैं आपको इस वाले एग्जांपल में दिखा नहीं पाया। अब मैं आपको दूसरे अलग ट्राई करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया एक बार। अभी देखिए आपका ऐसा प्रिंट हो रहा है, मैं इसका कोई सुटेबल एग्जाम्पल जो है मैं ले करके दिखा दे रहा हूं, तो शायद आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स के लिए यहां पे जैसे मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, ये हमारे पास दिया हुआ एग्जांपल्स, एग्जांपल को मैं थोड़ा सा यहां पे प्रिंट करके दिखाता हूं तो आपको जल्दी समझ में आ सकता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर क्या है, कैर दिया हुआ है 7 एंड टेक्स्ट दे दिया है, फिर दे दिया है एंड फिर कैर 7 दे दिया है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर से, ठीक है ना। तो उसी को प्रिंट करने का प्रयास करो, तो यहाँ पे इस तरीके से ये काम कर रहा है। सो नेक्स्ट चलते हैं कोड। कोड का काम क्या होता है, किसी करेक्टर का कोड दे देना। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ ए, अब इंटर किया तो 65 आ गया, ए का करेक्टर कोड 65 है, ऐसे बी का 66 हो जाएगा, सी का 67 हो जाएगा। कॉन कैटनेट,
माने दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया आर आई, अगले में हमने ले लिया यहाँ पे टी आई, ठीक है ना। अब नीचे हमने ले लिया कॉन कैटनेट कॉमा आर आई टी आई, इस तरह जुड़ गया। मैं इसका एक तरीका और बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया और एंड लगा दिया और यहाँ पे एंड लगा दिया, इस तरीके से यहाँ पे आर आई टी आई आ गया। तो आप इस तरीके से यहाँ पे जा करके इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, कॉन्केटनेट का प्रयोग कर सकते हैं अपने आप से। अब अनदर फार्मूले पे हम चलते हैं। यहाँ पे कॉन्केटनेट के बाद में जैसे दिया हुआ है यहाँ पे डॉलर, तो डॉलर का कोई विशेष यूज नहीं है, इसलिए इसको अभी हम छोड़ देंगे। जो है एग्जैक्ट का क्या यूज होता है, दो शब्दों के बीच में तुलना करना, दो शब्दों के बीच में तुलना करना। जैसा कि मैं यहाँ पे आर आई टी आई लिखता हूँ, ऊपर कैपिटल कर दे रहा हूँ आर आई टी आई, तो तुलनात्मक दोनों शब्द क्या हो रहे हैं, बराबर नहीं है। आर आई टी आई और आर आई टी आई क्या हो रहे हैं, ये बराबर नहीं, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको भी कैपिटल ही कर दूं तो अब ट्रू आ रहा है रिजल्ट। यहाँ पे फाइंड करना यानी कि कोई भी टेक्स्ट ढूंढना, कैसे ढूंढेंगे हम लोग यहाँ पे, ये थोड़ा सा यूजफुल फॉर्मूला है इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट क्या ढूंढना चाहते हैं हम लोग, तो मैं इसे ढूंढना चाहता हूँ आई किस टेक्स्ट के अंदर से जो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया राजेश आई टी इंस्टीट्यूट, थोड़ा सा ये बड़ा नहीं है इसलिए दिख नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट करेगा पहले करेक्टर से ढूंढना ये, ठीक है। रिजल्ट बोल रहा है एट नंबर पे मिल रहा है, एट नंबर का मतलब यहाँ पे आई यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता कि आई की जगह पे मैं आर कर दूं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, वन आ रहा है। आर की जगह पे मैंने ए कर दिया तो रिजल्ट देखो दो आ रहा है, एक इस पे दो नंबर पे यहाँ पे। अब मैं ई कर देता हूँ रिजल्ट, तब क्या देखो देता है चार नंबर पे दे रहा है ई। ये लास्ट वाला ई को फाइंड नहीं कर रहा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना आपको यहाँ पे है, ठीक है। ये लास्ट वाले रिजल्ट को फाइंड, तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना। फाइंड करने का सिंटैक्स ही आपका हो गया, ठीक है। अगले फार्मूले पे चलते हैं हम लोग। फाइंड के बाद में फिक्स्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। फिक्स्ड भी कोई विशेष यूज नहीं है इसलिए छोड़ देंगे। लेफ्ट लेंथ देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट को। अगर आप कोई विशेष फार्मूला सीखना चाहते हो तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। टेक्स्ट जैसे दिया हुआ है मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, और मैं यहाँ पे इसमें से कितने कैरेक्टर निकालना चाहता हूँ, दो लेफ्ट साइड से। तो ये हमें देखिए आर आई टी लिखा, इसमें से दो कैरेक्टर हमें लेफ्ट से चाहिए इस साइड से, तो आर और आई आएगा यहाँ पे। अगर तीन में देता तो यहाँ पे टी भी आ जाता। सो लेफ्ट के बाद में हम यहां बात करेंगे अगले फॉर्मूले की तरफ जो है लेन की। लेन क्या है, लेन माने जैसे इस वाले को मैंने टिक दे दिया, एड्रेस दे दिया उसका, तो इसमें कुल कितने कैरेक्टर से ये काउंट करता है, ये कितने कैरेक्टर से इसको गिनने के लिए होता है। और काउंट करने का प्रयास करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं आता हूँ इस सेल में फिल कर दिया। अब इसका इसमें कुल कितने कैरेक्टर्स हैं, इसको अगर काउंट करना हो तो ये टफ काम आपके लिए है, लेकिन यहाँ आप इसकी मदद से फट से काउंट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो लेन के बाद में आता है लोअर। अब देखिए इसका यूज आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे लोअर मैं इसके नीचे करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने ऊपर वाले सेल को दे दिया, इसने पूरा स्पेलिंग स्मॉल लेटर में कर दिया। लोअर मतलब क्या है, उसको सारा स्मॉल लेटर में बदल देगा अपने आप से। अब मैं यहाँ पे अपर कर देता हूँ तो क्या करेगा, उसी को पूरा कैपिटल लेटर में बदल देगा। तो जब आपको स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में बदलना हो तो आप इसी तरीके से बदल सकते हैं। लोअर मिड निकालना, बीच का कैरेक्टर निकालना। चलिए मैं बीच का कैरेक्टर निकाल करके दिखाता हूँ आपको। टेक्स्ट मुझे चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट मुझे चाहिए क्या, मैंने कर दिया आर चाहिए मुझे,
राजेश आईटी इंस्टीट्यूट जस्ट चाहिए हमें दूसरा, और कुल कितना चाहिए तीन। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें से तीन करेक्टर आ रहा है, मतलब हमें चाहिए दो करेक्टर और तीन, और दो से चाहिए और तीसरा चाहिए। तो दो से मतलब ये हुआ यहाँ पे ए से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक का आपको ये प्रिंट करके दे देगा आपको। प्रॉपर माने होता है इसे सही लेटर में बदलना, प्रॉपर जैसा कि मैंने इसको स्टिक किया, एंटर कर दिया, देखिए कन्वर्ट कर दिया इसको प्रॉपर, मतलब पहला अक्षर को कैपिटल लेटर में बदल देता है ये फॉर्मूला। बहुत यूज का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे है। तो प्रॉपर के बाद में यहाँ पे आपको रिप्लेस है, किसी एक शब्द की जगह पे दूसरे शब्द को रिप्लेस कर देना। ओल्ड टेक्स्ट में से लिख दिया मैंने यहाँ पे आरा कंप्यूटर, अब यहाँ पे स्टार्ट करेगा पहले करेक्टर से, नंबर ऑफ करेक्टर्स एक बदलेगा, नया टेक्स्ट क्या रहेगा आर आई टी आई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे भाई कुछ मिस्टेक हो गया इसमें जो है, सॉरी इसमें मिस्टेक क्या हो गया, यहाँ पे रिप्लेस हमने प्रॉपर की जगह पे ये वाला लिख दिया, इसलिए अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। देखिए लिखा क्या था, आर कंप्यूटर था, अब उस आर को हटा करके रीति हो गया यहाँ पे रिप्लेस होकर के। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। रिप्लेस के बाद में यहाँ पे रिपीट आता है, रिपीट का प्रयोग आप लोग जो है किसी विशेष कार्य के लिए कर सकते हैं। रेप्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार लिख दिया, डबल कोटेशन लगाना पड़ेगा इसको, हमने इसको कहा 10 बार प्रिंट करो, 10 बार प्रिंट कर देगा ये। रिपीट के बाद में हमारे पास राइट बता दिया मैंने, सर्च और फाइंड जस्ट सिमिलर है, कोई विशेष अंतर नहीं है, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। अपर बता ही दिया आप लोगों को है, तो लगभग लगभग हमने इसमें जो यूज के फॉर्मूले थे वो हमने आपको बता दिया है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आप लोग कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं या नया सीखना चाहते हैं या कुछ और एडवांस सीखना चाहते हो तो हमें कमेंट्स करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।